किसी भी शुभ काम को करने से पहले यहाँ ढोल और दमाऊ बजाए जाते हैं और अब एक बार फिर ये ढोल और दमाऊ चर्चा में है और इसी की वजह है एक विदेशी पर्यटक जो कभी भारत घूमने आया था लेकिन यहीं का होकर रह गया। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की हर परंपरा में खास भूमिका निभाने वाले ढोल को लेकर दत्त कथाओं में कहा गया है कि इसकी उत्पत्ति शिव के डमरू से हुई है जिसे सबसे पहले भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। कहा जाता है कि जब भगवान शिव इसे सुना रहे थे तो वहाँ मौजूद एक गण ने इसे मन से याद कर लिया था। तब से ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चली आ रही है। ढोल और दमाऊ एक तरह के मध्य हिमालयी यानी उत्तराखंड के पहाड़ी समाज की आत्मा रहे हैं। वैसे तो ढोल उत्तराखंड के साथ साथ पूरे भारत में बजाया जाता है लेकिन अब ये परंपरा भारत से बाहर भी अपने पैर पसार रही है। लोग विदेशों से ढोल सीखने भारत आ रहे हैं और बड़ी बात ये है कि ये लोग अपने देश जाकर दूसरों को भी हमारी इस परंपरा को सिखा रहे हैं। वैसे मैं तो आजकल विदेश में रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ जो बच्चे तो सिखाता हूँ मैं, ज्यादातर संगीत के बारे में जो पद्धति चलती है उनको सिखाता हूँ उस तरह से। विदेशी लोग अब ढोल दमाऊ पर शोध करने के लिए उत्तराखंड पहुँच रहे हैं। विदेशी लोग भारत आकर उत्तराखंड के पहाड़ों में जाकर ढोल की बारीकियां सीख रहे हैं। अंग्रेजी बोलने वाले एंड्रयू ऑल्टर उत्तराखंड में ढोल सागर पर शोध करते करते अब अच्छी खासी हिंदी बोलना सीख गए हैं। विदेशी एंड्रयू ऑल्टर ढोल सागर का शोध कर अब ऑस्ट्रेलिया में लोगों को ढोल के बारे में ज्ञान बांट रहे हैं। यहाँ ढोल को सीखने के लिए लोगों में काफी रुचि देखने को मिलती है। आजकल ये जो मैंने यहाँ सीखी, ये ढोल की जो पद्धति है और ढोल की जो ज्ञान है, थोड़ी सी जानता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन जो जाना है मैंने सोचा है चलो उनको भी सिखा लूँ। ऐसे जो ढोल मैंने सीखे उनको भी थोड़ा सा सिखा लूँ, जो भी जानता हूँ थोड़ा सा सिखा लिया उन्हें। आपको बता दें कि एंड्रयू ऑल्टर ने ढोल सागर पर शोध करके दो किताबें भी लिखी हैं। एंड्रयू ऑल्टर का कहना है कि ढोल में कुछ शब्द और मंत्र होते हैं जिन्हें समझा नहीं जा सकता लेकिन उन्हें नकारा भी नहीं जा सकता। क्या सच में हमारी ये परंपरा विदेशों में भी इतनी लोकप्रिय होती जा रही है? आशीष भट्ट, R9 TV।